म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहता क्योंकि म्यूचुअल फंड में कहीं किसी नसड़ी बंगेड़ी कोई बैठ गया उसमें पैसा लगा दिया मूड उड खराब करके कहीं पैसा किसी कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी डूब गई तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा पैसा चला जाएगा लेकिन एक्सपर्ट अभी तो कभी दिमाग खराब हो सकता है इस बीस साल पच्चीस पच्चीस साल तीस तीस साल तक पैसा दिए जा रहे हैं एलआईसीम दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं के फिफ्टी कंपनी में से कोई यस बैंक जैसा निकल गया मेरा पैसा ना डूबे मेरा पैसा सेफ रहे तो इस सोल्यूशन के लिए मैंने अभी स्क्रीन शेयर आपके सामने किया है तो फिर दुनिया भर के लोग बेवकूफ है क्या एफ डी आर डी करते रहते एलआईसी में पैसे डालते लाख रुपए पूरा यस बैंक

आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इस सेशन के बाद वो वीडियो देख लेना इसके ठीक बाद सागर सेना म्यूचुअल फ़ंड सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा वो और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है ये पूरा सेशन आपको समझ में आएगा डोंट वरी और आज हम म्यूचुअल फंड पर पूरा डिटेल भले ही न जाएंगे कंपाउंडिंग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और म्यूचुअल फंड से बेटर इंडेक्स फंड और इंडेक्स फंड से बेटर कैसे वो नई चीज़ जो आज हम बताने वाले हैं कंप्लीट कंपैरिजन हम करेंगे ताकि पैसे का मामला भैया पैसा लगा रहे हो तो ऐसी जगह लगे जो रिस्क फ्री हो या रिस्क ना के बराबर हो और कंपाउंडिंग जल्दी हो और रिटर्न ज़्यादा हो और इधर उधर के कमीशन में हमारा पैसा ना जाए कमीशन में बड़ा पैसा जाता है म्यूचुअल फंड में बड़े तरह के कमीशन होते हैं भैया बड़े तरह के फाइन होते हैं आज वो सब भी क्लियर कर दूंगा आपको ठीक है वो सारी चीज़ों से हम कैसे बचेंगे आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं देखो एक चीज़ समझो कि एक गरीब आदमी ना एक मिडिल क्लास आदमी एक नौकरी पेशे वाला आदमी काम करता है पैसा कमाता है काम करता है पैसा कमाता है काम करता है पैसा कमाता है लेकिन एक अमीर आदमी एक अमीर सोच वाला आदमी या वो जब काम करता है उसमें से कुछ पैसा निकाल करके एक ऐसी जगह डाल देता है उसका पैसा भी काम पर लग जाता है पैसा भी काम पर लग जाता है यानी कि वो अकेला काम नहीं कर रहा उसका पैसा भी पैरली कही कहीं ना कहीं काम कर रहा है पैसा भी और पैसा बना रहा है पैसा भी और पैसा बना रहा है वो रोबोट मूवी देखी थी ना रजनीकांत खुद रोबोट था लेकिन रोबोट भी दूसरा रोबोट बना पा रहा था फिर वो दूसरा रोबोट भी रोबोट बना पा रहा था तो कितनी जल्दी उसने मल्टीप्लाई कर लिया था रोबोट को इसी तरीके से कंपाउंडिंग का खेल होता भैया जिसने कंपाउंडिंग का खेल समझ लिया जिसने एस का सही खेल समझ लिया और एस सही जगह मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ इंडेक्स फंड की बात नहीं कर रहा आज एक नई चीज भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जिस पर बहुत कम बात करा गया है लेकिन है यह सबसे तगड़ी चीज तगड़ी चीज है सब कुछ तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं देखो डोमिनो इफेक्ट का एक्साम्पल पहले आपको समझाता हूं थोड़ा सा कंपाउंडिंग ब्रीफ कर देता हूं देखो कुछ चीजें रिपीट हो सकती है पिछले सेशन से मेरा फोकस यह है कि नए लोग जो हैं उनको पूरी तरह से समझ में आए और अच्छे से समझ में आए बिल्कुल बच्चों की तरह डोमिनो दोमीन, डोमिनो इफेक्ट समझाता हूं डोमिनो क्या होता है आप माचिस की डिब्बी की तरह समझ लो उसको एक किताब है द वन थिंग अगर नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ना उसने मेरी बुद्धि खोल दी पढ़ने के बाद वो कहता है कि आप एक डोमिनो को

सर कुतुब मीनार से भी कहीं ज्यादा ऊंचा होगा और सत्तावनवा डोमिनो सर धरती से चांद तक की दूरी कवर कर ले इतना लंबा इतना बड़ा डोमिनो होगा ये इंपैक्ट है सर कंपाउंडिंग का कंपाउंडिंग में कहते हैं देखो कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके करोड़पति बनना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर इसका खेल समझ गया सही तो पंद्रह 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 का एक प्रिंसिपल चलता है पंद्रह हजार रुपए हर महीने पंद्रह परसेंट के हिसाब से पंद्रह साल के लिए अगर आप डाल रहे हो एस में तो सर ये एक करोड़ क्लॉस कर जाता है करके देख लेना ठीक है और अगर गलती से ये पंद्रह हजार रुपए पंद्रह साल छोड़ो आपने तीस साल के लिए छोड़ दिया यानी कि डबल तो एक करोड़ दो करोड़ नहीं बनता आपने ड्यूरेशन डबल किया तो उसके हिसाब से एक करोड़ दो करोड़ नहीं बनेगा एक करोड़ दस करोड़ बन जाता है क्योंकि पैसा भी फर्दर पैसे कमाने में लग गया है जैसे रोबोट वाला एग्जाम्पल दिया और गलती से आपने इस पंद्रह को चालीस साल तक के लिए छोड़ दिया तो सर ये दस करोड़ बीस करोड़ नहीं बनेगा सैतालीस करोड़ फोर्टी सेवन करोड़ बन जाता है यह है कंपाउंडिंग का जादू ठीक है अब थोड़ा सा एक चीज ब्रीफ कर देता हूं कि आदमी जब नया नया इन्वेस्टिंग कर रहा होता है देखो एक इन्वेस्टिंग मिडिल क्लास हमेशा इस भ्रम में रहता है ना कि वह कहीं पैसा अगर डाल रहा है तो इन्वेस्टमेंट है ऐसा नहीं है सर हर जगह पैसा डालना इन्वेस्टमेंट नहीं है कई जगह तो पैसा डूब जाता है बर्बाद हो जाता है और कई जगह आपका पैसा बढ़ता नहीं है जैसे एफडी ले लो इन्वेस्टमेंट नहीं है एफडी एफडी एक सेविंग स्कीम होता है कई सारे स्कीम अलग से चलते हैं जैसे एल आई सी एस डी एफ सी बहुत सारे सेविंग स्कीम चलाती है इंश्योरेंस के साथ साथ पीपीएफ हो गया आर टी हो गया रिकरिंग डिपॉजिट हमें लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है सर आज एक भ्रम तोड़ देता हूं ये कतई इन्वेस्टमेंट नहीं है ये सिर्फ एक सेविंग स्कीम है सेविंग स्कीम को एफडी में कैसे कह रहा हूं एफडी का रिटर्न कितना एनुअल रिटर्न है सात परसेंट इंफ्लेशन देखा है आपने सर इन्फ्लेशन जरा गूगल पर सर्च करो इन्फ्लेशन कितना है इन्फ्लेशन सात परसेंट से ऊपर बढ़ चुका है और अगर फ्यूल रेंज में जाओगे ना पेट्रोल डीजल वगैरह में सर पचास परसेंट से ऊपर से इन्फ्लेशन है मेडिकल एक्सपेंसेस में अगर जाओगे ना सर चौदह परसेंट से ज्यादा इन्फ्लेशन है मतलब महंगाई इसका मतलब आज जो दवाई में खर्चा अगर एक लाख रुपए हो रहा है सर अगले साल उतनी ही दवाई का खर्चा उतने ही मेडिकल एक्सपेंसिस एक लाख चौदह हजार एक लाख पंद्रह हजार के हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन तो भैया सात परसेंट से कहीं ऊपर जा रहा है और हमारे को रिटर्न अगर सात परसेंट मिल रहा है तो हमें देखने में लग रहा है कि सर पैसा बढ़ा लेकिन पैसा बढ़ा नहीं वो उससे ज्यादा महंगाई बढ़ गई आप उतना ही सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसा बेगर आपका पैसा कुछ मिला नहीं ना आपको तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एफ डी या सेविंग स्कीम्स

एफ डी का पर्पज होता है कि मुझे एक साल दो साल बाद कुछ पैसे चाहिए हाँ तो मैं उसको सेविंग अकाउंट में रखने से अच्छा एफ डी में डाल देता हूँ दो साल बाद मुझे चाहिए अब दो साल बाद अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं एस आई पी में नहीं डालूंगा कहीं उसमें नहीं जाऊंगा मैं म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड वगैरह में क्योंकि लिक्विडिटी मतलब अप डाउन ज्यादा है ना उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है ना तो फ्लक्चुएशन ज्यादा होने की वजह से लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म प्लान करूंगा उसमें मैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में मेरे को बेनिफिट पक्का मिलना है और मोटा बेनिफिट मिलना है लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे को पैसा चाहिए एक साल बात चाहिए दो साल बात चाहिए तीन साल बाद चाहिए वहाँ मैं एफ प्रेफर कर लूंगा वहां मैं कोई सेविंग्स स्कीम प्रेफर कर लूंगा लेकिन लोग बेवकूफ़ी ये करते हैं कि पाँच साल दस साल पंद्रह साल अरे लोग एल प्लान करते हैं एल मतलब फिर से बुरा मत मानना मेरे इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा मैं इंश्योरेंस अलग चीज है मैं एलआईसी के सेविंग स्कीम की बात कर रहा हूं एलआईसी क्यों ले रहा हूं गांव देहात में तो छोटे शहरों में एलआईसी चलता है बाकी दूसरा तो जानते भी नहीं है लोग भैया बीस बीस साल पच्चीस पच्चीस साल तीस तीस साल तक पैसा दिए जा रहे हैं एलआईसी में दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं इंश्योरेंस के लिए नहीं मैं तो इंश्योरेंस के लिए कहूंगा टर्म इंश्योरेंस लो टर्म इंश्योरेंस अच्छा क्या सेविंग के लिए इतना मिलेगा अरे कुछ नहीं मिलेगा भैया पैसा आपने कर दिया कबाड़ कबाड़ कर दिया बर्बाद हो गया ठीक है ना अब समझते हैं कि एफ डी या ये सेविंग स्कीम्स में हम हमें अगर नहीं जाना तो हमें म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए म्यूचुअल फंड से भी बेटर एक चीज है जो फिर से कहूंगा आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लेकिन उससे उसके लिए ना थोड़ा सा आपको स्टॉक मार्केट समझना पड़ेगा जो आज के ही सेशन में समझा दूंगा कोई डीप जाने की जरूरत नहीं कोई बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट समझने की जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट के टेमिनोलॉजीज ऐसे ऐसे हैं कि आम आदमी कहता है भैया इससे दूरी रखो ये नहीं समझने का मेरे को रिटर्न कम चलेगा लेकिन स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आने का और वैसे भी एक चीज है कि स्टॉक मार्केट बर्बाद हो जाते लोग स्टॉक मार्केट में करोड़पति रोडपति बन जाता है हाँ बनते भी हैं ये ट्रू भी है ये ट्रू भी है किन केसेस में बनते हैं वो हम बाद में कभी बात करेंगे आज हम ये बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट के जरिए स्टॉक मार्केट में बिना माहिर बने हमारे को गारंटीड रिटर्न चाहिए भाई गारंटीड कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा लेकिन गारंटीड के आसपास का रिटर्न चाहिए हमारे को रिस्क फ्री रिस्क फ्री भी कहना गलत हो जाएगा लेकिन कम से कम से कम से कम से कम, से कम, से कम रिस्क में हमारे को मोटा रिटर्न चाहिए वो चीज कैसे होगी सो आज हम वो बात करने वाले हैं ठीक है स्टॉक मार्केट में ना तीन तरह की कंपनियां होती हैं कोई भारी भरकम टर्मिनोलॉजी नहीं लूंगा लार्ज कैप मिड कैप ये सब मारो गोली हिंदी भाषा में बात करता हूं बच्चों की तरह बात करता हूं तीन तरह की कंपनियां होती हैं एक बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे रिलायंस टाटा एस डी एफ सी बजाज एल आई सी ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां हैं दूसरी एक मीडियम रेंज की कंपनियां होती हैं तीसरी एक छोटी रेंज की कंपनियां होती हैं आप बहुत बड़ी कंपनी को समझ लो कि भैया हमारे देश में मंत्री मंत्री होते हैं ना एकदम डायरेक्ट पीएम से एसोसिएटेड पूरा देश जानता है उनको दूसरा छोटा होता है भैया विधायक विधायक टाइप समझ लो उनको एक स्टेट एक क्षेत्र जान रहा होता है तीसरा कार्यकर्ता टाइप के कार्यकर्ता टाइप की कंपनियों को भरोसा नहीं कब निपट जाए हाँ हो सकता है कि वो टॉप पे चले जाए लेकिन उनका रेशियो बहुत कमी होता है तो कार्यकर्ता टाइप की कंपनी में आप पैसा लगाओगे तो बहुत कम पैसा लगाना चार रुपये पाँच रुपये में शेयर मिल जाता है लेकिन बर्बाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं मीडियम रेंज में थोड़ा रिस्क कम है ठीक ठाक है लेकिन अपर रेंज में बड़ी कंपनी टाटा रिलायंस जैसी कंपनियों में अगर आप जाते हो तो डूबने के चांसेस ऐसी कंपनियाँ डूबती थोड़ी है बंद थोड़ी होती है हाँ लॉस अप डाउन अप डाउन चलता रहता है कभी लॉस हुआ कभी प्रॉफिट कभी लॉस कभी प्रॉफिट वो सब चलता रहता है लेकिन लॉन्गर रन में आपको ये प्रॉफिट ही देंगी ये ऐसी ऐसी कंपनियाँ हैं तो एक चीज़ तो समझ में आता है भैया हमारे को बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना है एज अ सेफ इन्वेस्टर एज अ मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा अगर नॉलेज नहीं है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए निश्चित बड़ी कंपनी में जाना चाहिए बहुत बड़ी वाली कंपनी में जाना चाहिए निश्चित लेकिन अब सवाल उठता है कि भैया इतनी सारी बड़ी कंपनियाँ हैं कौन सी कंपनी हम जाएँ तो हमारे को उस माथापच्ची में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि मैं इसका देखूं डेटा उसका फंडामेंटल देखूं उस कंपनी का वो सब लफड़ेबाजी में हमें नहीं पढ़ना। हमारे को एक सुविधा मिली है वो कहते हैं स्टॉक मार्केट वाले कहते हैं कि आपको इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना ठीक है हमने आपको एक ग्रुप बना के दे दिया है उस ग्रुप में टॉप की पचास कंपनियां भैया टॉप की पचास कंपनियां हैं इस ग्रुप को बना करके हमने आपको दे दिया है उस ग्रुप का नाम हमने रखा है इंडेक्स और दो इंडेक्स बना करके दे दिया आपको एक निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स बना बनाकर दे दिया एक बी एस सी इंडेक्स बना दे है. के हम बात नहीं करते की बात करते हैं निफ्टी 50 में टॉप कंपनियां हैं तो टॉप फिफ्टी कंपनियों में हमारे को इन्वेस्ट करना है बिना कंपनी का नाम जाने बिना कंपनी का सिलेक्शन किए तो मैं प्रेफर करता हूं इंडेक्स फंड जो हमने लास्ट में बात किया भी था लेकिन इंडेक्स फंड में भी कुछ गड़बड़ियां हैं कुछ रिस्क है इंडेक्स फंड हमने चूज तो कर लिया लेकिन इंडेक्स फंड में क्या होता है भैया कि वहाँ मान लो आप एक लाख रुपए डाल रहे हो तो एक लाख रुपए आपका फंड इंडेक्स फंड जो मैनेज कर रही कंपनी होती है वो आपका दो परसेंट टाटा में डाल दिया तीन परसेंट बजाज में डाल दिया चार परसेंट रिलायंस में डाल दिया ए, कि, आ, किसी में डाल दिया किसी में डाल दिया वो तो दिक्कत बेसिकली ये हो जाती है आपने यस yes बैंक वाला सुना है कभी कभी क्या होता है यस yes बैंक जैसी कंपनियां बहुत सारी निकल जाती है बहुत सारी तो नहीं निकलती कम निकलती हैं लेकिन नुकसान तो हो जाता ना हमारा यस बैंक अभी चार सौ रुपए का प्राइस हुआ करता था इंडेक्स में था टॉप फिफ्टी कंपनी में आती थी इंडेक्स फंड में आता था अब आपने एक लाख रुपए अगर दिए हैं और एक लाख रुपए में सर आपका मैक्सिमम फंड अगर यस बैंक जैसी कंपनी में लग गया है जो कभी चार सौ रुपए हुआ करता था आज के टाइम में पंद्रह से बीस रुपए के बीच पेंडुलम की तरह घूम रहा है चार सौ रुपए करता था आज के टाइम में पंद्रह से बीस रुपए के के पेंडुलम बीच घूम रहा है से पारी नहीं जा पाता तो सर अगर लाख रुपए पूरा यस बैंक में गया होता ना तो आपका एक लाख रुपए आज के टाइम में सात हजार रुपये होता एक लाख रुपए आज के टाइम में सात हजार रुपए बन चुका होता भैया रिटर्न तो छोड़ो कमाई तो छोड़ो अपना प्रिंसिपल भी खेल खत्म हो गया तो एक इंडेक्स फंड में ये भी रिस्क होता है तो अब क्या करें भैया कि मेरे को कंपनी सिलेक्शन भी नहीं करना है और जो लोग कंपनी सिलेक्शन कर रहे हैं अब होता क्या है इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड के पीछे लोग होते हैं जो है कि असाइन करते हैं कि इसमें मेरे को दस परसेंट डाना है वो एक्सपर्ट्स होते हैं ठीक है लेकिन एक्सपर्ट भी कभी तो कभी दिमाग खराब हो सकता है एक्सपर्ट भी कभी ऐसा हो सकता है कि घर से भैया लड़ाई करके बीवी से निकला है बीवी ने उसको गेट पर बेलन फेंक के मारा है तो उसका मूड खराब है और ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने भी चार बार सुना दिया अरे तूने कल वो कंपनी में डाल दिया वो कंपनी भरवा दो, 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 दो तो उसका मूड खराब है और ऐसे में वो डिसीजन ले रहा है उस दिन तो गड़बड़ डिसीजन भी तो ले सकता है उसका कैलकुलेशन गलत भी तो हो सकता है क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ए प्रडिक्शन गेम जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है प्रडिक्शन प्रडिक्शन क्या होता है पिछला देख करके पिछला रिकॉर्ड देख करके प्लान प्लान करते हैं वो गलत भी तो हो सकता है लेकिन अगर गलत हो गया तो अपना फिर कस्टमर का यानी कि हम जैसे लोगों का बर, बर्बादी हो जाएगा ना तो करें क्या फिर इसका भी सोल्यूशन है तो सोल्यूशन ये है कि हम जाएंगे भैया निफ्टी बीज में ईटीएफ में क्या होता है ये होता है सर हम इस बार भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे लेकिन इंडेक्स फंड में नहीं करेंगे हम मैं क्या कर रहा हूं इस बार भी इंडेक्स में करेंगे यानी कि इस बार भी हम टॉप फिफ्टी कंपनियों के ग्रुप में इन्वेस्ट करेंगे लेकिन मेरा पैसा किसी भी पर्टिकुलर उस कंपनी में नहीं जाएगा कंपनी में नहीं जाएगा ताकि यस बैंक जैसी कंपनी का के साथ जैसा कांड हुआ वो कांड का भुगतान मेरे को ना करना पड़े समझाता होता क्या है ईटीएफ एफ ऐसी चीज है ईटीएफ सभी एक्सचेंजेस का मिल जाता है गोल्ड वोल्ड का भी मिल जाता है हम निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं एक ईटीएफ है निपॉन निफ्टी बीस मैं अपना ये कहूं कि फिफ्टी परसेंट कैपिटल मैंने निपॉन निफ्टी फिफ्टी फीस में ही डाल रखा है बट मैंने ऐसा कर रखा है जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा करो आप कुछ भी चूज कर सकते हो मेरा काम एजुकेट करना है बताना है सिखाना है तो मैं आपको सिखाता हूं होता क्या है कि कल को उस इंडेक्स में से टॉप पचास कंपनियों में से कोई अगर यस yes बैंक जैसी कंपनी निकलती है ना तो कंज्यूमर का लॉस नहीं होने वाला अपना लॉस नहीं होने वाला एक कंपनी अगर निकलती है तो कोई और कंपनी ऐड तो होगी इंडेक्स में यानी कि निफ्टी फिफ्टी में पचास कंपनी तो उसको रखनी रखनी है एक कंपनी भैया लुटेरी निकल गई एक कंपनी के साथ कुछ कांड हो गया कुछ गड़बड़ हो गया वो जो बाहर निकली पटाख कोई दूसरी कंपनी उसमें ऐड हो जाएगी तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का मतलब निफ्टी बीस में इन्वेस्ट करने का मतलब ये दोनों एक ही चीज है निफ्टी बीस बोलूं या ईटीएफ बोलूं एक ही चीज़ है कभी निफ्टी फीस बोल दूंगा कभी ईटीएफ बोल दूंगा तो एक ही चीज़ है तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का मतलब निफ्टी बीस में इन्वेस्ट करने का मतलब मेरा पैसा उस ग्रुप में लग रहा है उस इंडेक्स में लग रहा है किसी पल्ली पर्टिकुलर कंपनी पर फिजिकली नहीं जा रहा है. अंदर का खेल नहीं समझा मैं समझा रहा मैं आपको मोटा मोटी समझा रहा हूं तो मोटा मोटी ऊपर का खेल समझो आसान भाषा में जो आप समझ पाओ वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कल को कोई येस बैंक जैसी कंपनी निकलती है तो अपना लॉस नहीं होने वाला एक समझो एक अंबानी अडानी टाटा जैसे बिजनेसमैन सौ सौ कंपनियां चला लेते हैं लेकिन एक नौकरी पेशे वाला आदमी वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है दूसरा काम करने का तो आपको नहीं लगता कि बात समय की नहीं है बात समझ की है एक के पास समझ थी तो सौ सौ कंपनियां पांच पांच सौ कंपनियां चला ले रहा है दूसरे के पास समझ नहीं है तो वो एक नौकरी भी नहीं चला पा रहा तो समझ डेवलप करने के लिए मैं कहता हूं कहीं आपको

उस ऑडियो बुक का नाम है मनी इज योर मनी इज इन योर माइंड मनी इज इन योर माइंड इस किताब में बेसिकली आपका आपको वेल्थ का मैनेजमेंट पूरा सिखाया गया है आप एक काम करते करते मल्टीपल काम कैसे कर पाओ अपने दिमाग को डाइवर्सिटी कैसे कर पाओ डाइवर्सीफाई कैसे कर पाओ अपने इन्वेस्टमेंट को अपने पैसे को और बड़ा कैसे कर पाओ इस किताब में सिखाया गया है यह बुक वैसे कुकू एफ पर है और कुकू एफ पर मैं देख रहा था तीन लाख से ज्यादा बार इसको सुना गया है कुकू एफ क्या है बता देता हूं कुकू एफ इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर ढाई मिलियन से ज्यादा पेड लिसनर है यहां पर और इस ऐप की रेटिंग भी फोर प्लस है यहां ऑडियो बुक सिर्फ हिंदी में नहीं है आपके अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है और पहली बार कुकूएफएम फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट दे रहा है फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर तो ये नाइन रुपीज का पड़ता है बट आपको एस आर एस फिफ्टी कूपन में दे रखा है, और हाँ, पर आपको बुक सुनना ही है तो दो मेरी पसंदीदा ऑडियो बुक और आपको रिकमेंड कर देता हूं ये भी सुन लेना और मैं तो कहूंगा आज रात को सोने से पहले ही ये दो ऑडियो बुक जरूर सुन लेना भैया आपके सोच में ड्रास्टिक चेंज आएगा पैसे कमाने के लिए दो ऑडियो बुक आपको सजेस्ट करता हूं रिकमेंड करता हूं पहली ऑडियो बुक है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग दूसरी ऑडियो बुक है अपने पैसों को काम पर कैसे लगाएं ये दो ऑडियो बुक मैं रिकमेंड करता हूं पिछले एक साल से लगभग मैं कोको एक्सम यूज़ कर रहा हूं और एक साल में मैं लगभग हर रोज सोते हैं सोने से पहले एक ऑडियो बुक सुन लेता हूं जिसकी वजह से मेरी नॉलेज बहुत कंपाउंडिंग हो गई है तो नॉलेज का सोर्स देखो कुछ भी रखो लेकिन नॉलेज का सोर्स आपके पास होना चाहिए नहीं तो फिर आप भी वही कहोगे अरे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है और दस हजार वो महीना कमा रहे हो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है वो आदमी हजारों करोड़ में खेल रहा है फिर भी और बढ़ाया जा रहा है बिजनेस को मैं आपको इस आ, स्क्रीन शेयर करके समझाना यह चाह रहा हूं कि देखो हमारे को इंडेक्स में इन्वेस्ट करना मेरी प्रायोरिटी है मेरी प्रेफरेंस है मैं उन 50 कंपनियों के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता मैं म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहता क्योंकि म्यूचुअल फंड में कहीं किसी नसड़ी बंगेड़ी कोई बैठ गया उसमें पैसा वैसा लगा दिया मूड उड खराब करके कहीं पैसा किसी कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी डूब गई तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा पैसा चला जाएगा हालांकि इसके चांसेस कम है लेकिन होते तो हैं ही ऐसा तो मैं उस लफड़े में नहीं पड़ना चाह रहा मैं इंडेक्स की टॉप फिफ्टी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन मेरे मेरे को इस हेडेक से भी बचना है कि उस टॉप के फिफ्टी कंपनी में से कोई यस बैंक जैसा निकल गया तो मेरा पैसा ना

इस पॉइंट पर अगर एक लाख रुपए डाला होता तो आज के टाइम में उसका एक लाख रुपए सत्रह लाख रूपये बन चुका होता कितने साल साल में बीस साल में यानी कि पर एनम एनुअली अगर देखा जाए तो पंद्रह परसेंट से कंपाउंडिंग वे में कंपाउंडिंग वे में मैं कह रहा हूं दो तीन में सिर्फ एक लाख डाला होता दोबारा नहीं सिर्फ डाल के छोड़ दिया होता तो आज उसका सत्रह लाख बन चुका होता अब निफ्टी बीस क्या होता है ईटीएफ क्या होता है निफ्टी का ही रेप्लिका है प्रतिबिंब है परछाई है लगभग उसका भी ग्राफ आपको इसी तरीके का मिलेगा दूसरा टाइप में खोल लेता हूं ये देखो निफ्टी बीस ये 2005 के आसपास दिखा रहा है अच्छा अच्छी बात ये है कि लगभग 100 गुना प्राइस कम होता है ईटीएफ का निफ्टी बीस का और इंडेक्स का सौ गुना प्राइस ज्यादा होता है अब इंडेक्स में हम डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्ट कर नहीं सकते हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे को निफ्टी बीज मिला है ईटीएफ मिला है ठीक इतना क्लियर हो रहा है ना क्लियर हो रहा है ना ठीक है इस पॉइंट पे जरा प्राइस आप देखो दो के आसपास ये होगा दो हजार यहां भी देखो दस के आसपास वहां हजार था यहां दस के आसपास देख रहे हो ऊपर प्राइस दिखा रहा है इधर ऊपर देखो इस पॉइंट को जो ये पॉइंट जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है ऊपर देखो दस रुपये दिख रहा है ना ये 2003 के आसपास डाटा दिखा रहा है उधर हजार था यहां दस है अच्छा आज के टाइम पे बढ़ाते बढ़ाते ऊपर देखो कितना एक सौ सत्तासी एक सौ सत्तासी यानी कि लगभग उधर सत्रह हजार इधर अट्ठारह हजार के आसपास लगभग है ना लगभग उसी आसपास चलता है देखो यहां पर आप इसका प्राइस देख रहे हो एक है ना और उधर हमने सत्रह हजार अठारह हजार के आसपास देखा तो लगभग सौ गुना ज्यादा इंडेक्स की कीमत है और लगभग सौ गुना कम इंडेक्स से इस निफ्टी फे, निफ्टी बीस की कीमत है, की की कीमत है है यानी कि ईटीएफ की क्लियर ठीक है अब सवाल ये उठता है कि इसमें हमारे को पैसा लगाना है एक चीज क्लियर है निफ्टी बीस में पैसा लगाना है हमारे को ईटीएफ में पैसा लगाना है क्या फायदे हैं जरा यह भी समझेंगे और ऐसा क्या भैया तोप इसमें मिल जाएगा हमारे को जो म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा जो इंडेक्स फंड में नहीं मिलेगा और इसी में मिलेगा अब जरा ये समझाऊँ अब जरा ये समझाऊँ बताओ 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 ये समझाऊँ ठीक है स्क्रीन शेयर रहने देता हूँ मैं ज़रा सब गैलरी में से एक चीज़ निकाल देता हूँ आपके लिए मैंने बना रखा है बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाई है मैंने पूरा कंपैरिजन मैंने कर रखा है म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड और निफ्टी बीच में सबसे पहला देखो एक्सपेंस रेशियो एक्सपेंस रेशियो बता रखा है मैंने कि साल में एक बार आपको लगेगा एनुअल कमीशन मान लो इसको फंड मैनेज करने वाली कंपनी लेती है अपना खर्चा पानी तो निकालेगी एम्प्लॉ खर्चा तो देगी इतना दिमाग लगा रहे उसका तो निकलेगा तो ये म्यूचुअल फंड में अगर आप करते हो भैया तो 0.5 परसेंट से 2.5 पॉइंट ढाई परसेंट के आसपास सालाना आपका जो टोटल फंड होगा उस पर लगता है टोटल फंड पर लगता है ठीक है तो आप समझ लो कि कभी आपका जब एक करोड़ में बनेगा तो एक करोड़ का ढाई मतलब ढाई लाख तो ये लेकर के जाएंगे दो करोड़ बनेगा तो दो करोड़ का पांच लाख तो ये लेकर के जाएंगे और एनुअल उससे पहले अस्सी लाख बना होगा तो अस्सी लाख पे ढाई परसेंट उससे पहले सत्तर लाख होगा तो सत्तर पे एनुअल लगेगा ना भैया जीरो पॉइंट फाइव से लेकर के ढाई परसेंट डिपेंड अपॉन अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी ठीक है दे अब दे आप, आप कहोगे अलग अलग म्यूचुअल फंड कौन से में कितना लगेगा उस नफड़े से मैं निकाल ही दूंगा आपको टेंशन नहीं रुको पूरा समझाने दो मुझे उस लफड़े से मैं निकाल दूंगा आपको कंपेयर कर, करने की जरूरत ही नहीं है

तो आपको एक एग्जिट लोड के नाम पे कुछ चार्ज लगते हैं ये एग्जिट लोड के नाम पे चार्ज आपका लगता है एक परसेंट लगेगा भैया ये भी टोटल फंड के आसपास ये टोटल फंड पे ही होता है एक परसेंट के आसपास म्यूचुअल फंड अगर विद्रॉ कर रहे हो खत्म कर रहे हो अपना एस तो आपको यहां देना पड़ेगा इंडेक्स फंड में यह बिल्कुल नहीं होता यह नहीं लगने वाला यानी कि एक करोड़ रुपए आपका बना है तो एक करोड़ का एक लाख रुपए के आसपास ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी ले लेगी इंडेक्स फंड में अगर आपका बना है तो इंडेक्स फंड वाला कुछ नहीं लेगा और निफ्टी फीस निफ्टी बीज में भी कुछ नहीं लगने वाला है ठीक है टैक्स की बात करें टैक्स तो भैया गवर्नमेंट का है टैक्स का देखो यहां पर मैंने लिख रखा है पंद्रह परसेंट आपको टैक्स लगता है गवर्नमेंट का अच्छा प्रॉफिट पे टोटल फंड पे नहीं प्रॉफिट पर प्रॉफिट मतलब हजार रुपये आपने डाला है सौ रुपए प्रॉफिट कमा तो सौ रुपए का पंद्रह परसेंट आपको लगेगा अगर एक साल के अंदर विड्रॉ कर रहे हो एक साल के अंदर अपना एसआईपी बंद कर रहे हो आप तो अच्छा दस परसेंट लगेगा अगर एक साल के बाद आप कर रहे हो तो ठीक है ये तीनों में से सेम है क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ है ना तो गवर्नमेंट का लॉ है तो तीनों में सेम है ब्रोकरेज की बात करें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो भैया ब्रोकरेज लगेगा आपको ब्रोकरेज क्या होता है जो ब्रोकर होता है वो लगा जैसे ब्रोकर कौन होता है एप्स जैसे हम एंजल वन की बात कर रहे हैं तो एंजल वन एक ब्रोकर है कई सारे ऐप्स हैं हर ऐप ब्रोकर है आप स्टॉक मार्केट में देखो डायरेक्ट नहीं घुस सकते सब्जी भाजी की दुकान नहीं है गए और एक किलो भैया बैंगन दे दो किलो आलू दे दो ऐसा नहीं होने वाला आपको किसी ना किसी ब्रोकर के जरिए ही जाना पड़ता है तो ये जितने ऐप ऐप आप यूज करते हो ये सब ब्रोकर हैं और अपना कमीशन लेते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ठीक है इंडेक्स फंड में में करोगे करोगे तो तो भी लेंगे ये। में तो नहीं लेंगे ये ये नहीं मालूम क्यों क्योंकि एक तरह का शेयर इक्विटी इक्विटी यूज नहीं करूंगा आपको इक्विटी क्या चलो वो भी नहीं बात करेंगे एक तरह का शेयर होता है एक तरह का स्टॉक की तरह इसको ट्रीट करते हैं तो किसी भी स्टॉक को खरीदने बेचने में ब्रोकरेज नहीं लगता है ज़्यादातर ब्रोकर एजेंट ऐसे ही करते हैं कुछ ब्रोकर लेते होंगे तो उनकी अप, अप, अपनी मर्जी लेकिन ज़्यादातर ब्रोकर नहीं लेते हैं ठीक है जैसे एंजल की बात कर रहे हैं तो एंजल में नहीं लगता है अच्छा एक चीज समझो और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल लूज आपका पैसा खत्म होने का चांस है क्या जैसे यस बैंक था यस बैंक में तो पैसा खत्म ही नहीं हो गया ना एक लाख डाला होगा आज के टाइम पे सात हजार होता तो पैसा तो खत्म ही हो गया म्यूचुअल फंड में प्रोबेबिलिटी है पैसा खत्म करने की हाँ भैया पैसा खत्म हो सकता है आपका क्योंकि जिस कंपनी में लगा है उस कंपनी का उस टाइम तो बोलबाला था लेकिन बाद के टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गया तो नुकसान किसका उस म्यूचुअल फंड वाली कंपनी का कुछ जाएगा नहीं आपका हमारा जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है क्या पैसा खत्म होने का हालांकि बहुत कम होता है हजार में कोई एक या फिर दस में कोई एक ऐसा केस आए पैसा खत्म होने का लेकिन प्रॉबीबिलिटी तो है और वो एक क्या हम ही और आप निकल गए तो हमारी जिंदगी तो एक ही है भैया हमारा तो पैसा एक ही है तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे लेकिन इसीलिए कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी है क्या हाँ प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना है क्या हाँ है इंडेक्स फंड में भी है क्या इंडेक्स फंड में भी है यस yes, बैंक तो इंडेक्स में ही था टॉप फिफ्टी में ही था अच्छा निफ्टी बीज में है क्या नहीं निफ्टी बीज में नहीं है फ्टी बीज में नहीं है क्योंकि निफ्टी बीज में जैसा मैंने आपको समझाया कि टॉप की फिफ्टी कंपनियों का ग्रुप है आपका पैसा उस ग्रुप में लग रहा है किसी पर्टिकुलर कंपनी पर नहीं एक कंपनी अगर निकल भी जाती है तो दूसरी कंपनी उसमें उसमें हो जाएगी उसमें आपका नुकसान नहीं है ठीक अच्छा बहुत मोटा मोटा कह रहा हूं कोई अंदर घुस के मैं समझाऊंगा तो इसकी कैलकुलेशन इसकी गणित अलग है मैं अंदर घुसना नहीं जा रहा फिर आप कंफ्यूज कंफ्यूजे मोटा मोटा समझो कंपनी डीलिस्ट या फिर बैंक का खतरा होता है क्या कई बार क्या होता है स्टॉक मार्केट से कंपनी आज तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है कल परफॉर्म नहीं कर रही तो स्टॉक कुछ गड़बड़ कर दिया तो स्टॉक मार्केट से ही उसको निकाल दिया जाता है बाहर कर दिया जाता है कई सारी कंपनियां होती है तो मान लो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है और उस म्यूचुअल फंड कंपनी में आपका अच्छा खासा फंड उस कंपनी में लगा हुआ था और वो कंपनी ही भैया खराब परफॉर्म करके निकल गई पैसा किसका गया आपका और हमारा ना ये इंडेक्स फंड में भी हो सकता है फिर से यस बैंक का एग्जाम्पल ले लो तो कंपनी कंपनी यानी कि बाहर स्टॉक मार्केट से बैंक हो जाए कंपनी बर्बाद हो जाए आज तो भैया चार चांद कंपनी के लेकिन कब बर्बाद हो जाए तो नुकसान किसका आपका और मेरा क्या म्यूचुअल फंड में ऐसा हो सकता है हो सकता है क्या इंडेक्स फंड में ऐसा हो सकता है हो सकता है क्या निफ्टी बीज में ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता नहीं हो सकता क्योंकि हमारा पैसा अगेन ग्रुप में जा रहा है ग्रुप की किसी कंपनी में नहीं जा रहा सर ये ऊपर ऊपर बात कर रहा हूं अगर आप जानकार हो तो मत करना ये क्या बता रहे हो सर अंदर लगता है ये लगता है ऐसा होता है उसकी गणित ये अरे वो गणित अलग है उतना मैं समझाऊंगा कंफ्यूज जाएंगे लोग मेरा परपस लोगों का पैसा बचाना है लोगों का पैसा सही जगह डलवाना है और डलवा करके मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला सही पैसा आपका जाए आप एजुकेट हो आप मानसिक तनाव से मुक्ति पाओ भैया पैसा अगर अच्छा जेब में है तो आदमी की मानसिक मानसिक तनाव नहीं रखता लोग कहते हैं पैसा देखो हाथ का मैल है अरे पैसा हाथ का मैल नहीं है चेहरे की चमक है मन की खुशी है पैसा तो मेरा इंटेंशन यह है कि पैसा आपका सही जगह जाए मैं कंपेयर कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड और निफ्टी बीज में तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ यह कि म्यूचुअल फंड भी अच्छा है म्यूचुअल फंड सही है ठीक है सही होगा लेकिन मेरे पास दूसरा भी तो बेटर ऑप्शन है मैं म्यूचुअल फंड चुनने से अच्छा इंडेक्स फंड चुन लूंगा अच्छा इंडेक्स फंड चुनने से अच्छा मैं निफ्टी फीस चुन लूंगा हाँ आपके पास ज्यादा पैसा है तीनों चुनो जैसे मैंने भी कर रखा है मेरे भी कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में है कुछ पैसे इंडेक्स फंड में है कुछ पैसे निफ्टी फीस में है सब में है लेकिन बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो ज्यादा बनाना चाहते हो तो अलग अलग जगह डाल के रखो लेकिन आप कहते हो कि नहीं मुझे एक ही चीज बताओ जो परफेक्ट हो जिसमें मेरा पैसा एकदम रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर हो और पैसा बढ़ता रहे ज्यादा रिटर्न मिले तो मैं तीनों में कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूं भैया म्यूचुअल फंड में ये इंडेक्स फंड में ये और निफ्टी बीज में ये ठीक है एक ही जगह पैसा लगाना है तो निफ्टी बीज में लगा लो ठीक है कंपनी डीलिस्ट होने का खतरा निफ्टी बीज में नहीं है डीलिस्ट होगी तो आपका नहीं जाएगा कुछ एनिवी एन डे एंड पे काउंट होता है म्यूचुअल फंड में एन क्या होता है भैया एन देखो कुछ ऐसा समझो फिर टर्मिनोलॉजी के डिटेल में हम नहीं जाएंगे मोटा मोटी समझाता हूँ आपको मान लो एक म्यूचुअल फंड पे आप देख रहे हो प्राइस अभी सौ रुपये चल रहा है आपने उसी टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया और वो दिन के बारह बजे हैं दिन के बारह बजे सौ रुपये चल रहा था आपने उसी टाइम पैसा डाल दिया उसमें लेकिन क्या आपका पैसा डल गया म्यूचुअल फंड उस टाइम से शुरू हो गया नहीं दिन के एंड से होगा दिन के एंड होता है तीन बजे तो अब उस टाइम तक मान लो सौ का हो गया एक सौ दस रुपये तो अब आप तो आपने खरीदा है एक सौ दस रुपये पर ना तो दस रुपये बढ़ करके आपको मिला बढ़ करके मतलब आपका नहीं आपका दस रुपये समझ लो नुकसान हो गया सौ पे खरीदना था आपको लेकिन खरीद पाया पे एक सौ दस पे ठीक है तो डे एंड पे वो हो कैलकुलेट होता है म्यूचुअल फंड सेम इंडेक्स फंड पे भी है भैया डे एंड दिन खत्म होगा तभी आपकी खरीदारी कैलकुलेट करी जाएगी जो प्राइस खत्म दिन में बाजार बंद होने पे जो प्राइस है उसी प्राइस पे आपको मिलेगा दस बजे का प्राइस ग्यारह बजे का प्राइस दो बजे का प्राइस आपको नहीं मिलने वाला आपको मिलेगा शाम वाला प्राइस जब मार्केट बंद हो रहा है उस टाइम वाला प्राइस उस टाइम पर घट गया तो बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया उस टाइम बढ़ गया तो नुकसान हो गया कुछ भी हो सकता है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है मार्केट है कौन जाने इसी तरीके से निफ्टी बीज निफ्टी बीज में भैया इंस्टेंट होता है तुरंत दस बज के पैंतालीस मिनट पे आपने देखा सौ रुपए है उसी टाइम आपने खरीदा तो उसी टाइम आपका बुक शाम में भले ही डेढ़ सौ हो जाए तो आपका वो पचास जो बढ़ा वो प्रॉफिट है आपका बुक नहीं होगा पचास पर उसी टाइम ये फायदा है ये फायदा है सौ पे आपने देखा अभी सौ ले ले शाम तक डेढ़ सौ हो गया तो पचास रुपए प्रॉफिट एक ही दिन में हो गया लेकिन म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या है ये शाम तक डेढ़ सौ हो गया तो आपको मिला ही डेढ़ सौ पर है आपने खरीदा ही डेढ़ सौ पर है क्योंकि प्राइस शाम वाली डिसाइड हो रही है ठीक है कैन ट्रेड म्यूचुअल फंड में आप ट्रेड नहीं कर सकते ट्रेड का मतलब अभी डाला दो घंटे बाद निकाल लिया अभी डाला दो दिन बाद निकाल लिया अभी डाला एक हफ्ते बाद निकाल लिया उसमें फिर लॉस करके बैठोगे क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा है ना हाँ ज्यादा तो इसमें भी होगा लेकिन वहां पे आप एग्जिट लोड लगेगा आपका आपका और भी जो फाइन मैंने बताया मैंने वो सब लगने वाला है तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड में आप इंडेक्स फंड में भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप आप यहां पे और उसको ट्रेडिंग कहेंगे भी नहीं उसको सकोगे यहां पर आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हो यहाँ पर इंट्रा डे का भी ऑप्शन मिलता है आपको डिलीवरी का भी ऑप्शन मिलता है दोनों का मतलब क्या होता है ये समझ लो कि अगर आपने डिलीवरी ले लिया कोई शेयर का ऑप्शन आता है खरीदने टाइम अभी दिखाऊंगा आपको ऐप आप में दिखाऊंगा डिलीवरी ले लिया किसी शेयर का तो वो आप डिलीवरी समझ लो आपने घर ले लिया अपने शेयर को अपने घर पर लेके गए आप वो लाइफ टाइम के लिए आप ही है इंट्रा डे पर अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो आपको सिर्फ एक दिन के लिए मिला है तो आपने इंट्रा पर इंट्रा पर सस्ता पड़ता है इंट्रा पर आपने ई खरीदा निफ्टी खरीदा खरीदा शाम तक लेकिन बेचना पड़ेगा आपको आज दोपहर पे, दोपहर में खरीदा शाम तक बेच दो तो वो तो ट्रेडिंग हो गई ऐसा म्यूचुअल फंड और ऐसा इंडेक्स फंड में नहीं कर सकते आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते ना उसमें आपको मिलेगा ही शाम को तो ट्रेडिंग कर सकते हो ईटीएफ में हाँ कर सकते हो अच्छा एक और चीज़ अभी ऐप कर खोल के आपको दिखाऊंगा क्या होता है लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इसमें इंडेक्स में भी नहीं कर सकते निफ्टी बीज में कर सकते हैं ये क्या होता है अभी ऐप खोल के आपको दिखाऊंगा बड़ी अच्छी चीज़ है लिमिट ये अच्छा इजी सिलेक्शन है क्या कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करें बड़ा मातापच्ची है इसने ये दिया इसमें ये, ये कंपनियां इसमें ये हालांकि वो एक्सपर्ट है डिसाइड करने वाले लेकिन फिर भी हम अपनी बुद्धि तो लगाते ही हैं तो सिलेक्शन करना ईजी थोड़ा सा डिफिकल्ट है सॉरी कहां चला गया ये तो सिलेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है भैया इसमें इंडेक्स फंड में सिलेक्शन करना म्यूचुअल फंड से इजी है क्योंकि मैंने ही आपको लास्ट वीडियो में जैसे कहा था कि लॉन्ग रन में अगर आप 20-25 साल देख रहे हो तो लगभग सारे इंडेक्स फंड आपको आसपास ही देते हैं हा, तीन साल दो साल में अलग अलग होगा कोई 40 परसेंट दे कोई 50 परसेंट दे दे कोई पंद्रह परसेंट कोई दस परसेंट ऐसा होगा तीन साल चार साल में देखोगे तो लेकिन लॉन्ग रन में लगभग एक साल का ही होता है सॉरी एक साथ का ही होता है एक जैसा ही होता है लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि तो हम लगाते ही कौन निफ्टी बीज भी कई सारे हैं लेकिन निपॉन सबसे बढ़िया है तो हम डायरेक्ट निफ्टी बीज में चले गए ठीक है।, है तो ये था कंपैरिजन अब जरा मैं आपको ऐप में यह दिखा देता हूं इसको हमने बंद कर दिया ऐप में जरा मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये चीज़ करते कैसे हैं ऐप में मैं आपको शॉर्ट में ये भी दिखा दूंगा इंडेक्स फंड में भी कैसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में भी कैसे करते हैं और हम ई कैसे बाय करते हैं ई टी थोड़ा ज़्यादा दूर दू, जोर जो, दूंगा और म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में कम दूंगा ये मैंने ऐप में खोल लिया है एंजल वन जो मुझे बड़ा बढ़िया लग रहा है इन दिनों में यही यूज़ कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है हमारे को म्यूचुअल फंड का ये देख रहे हो म्यूचुअल फंड का हम डायरेक्ट इसमें जाते हैं तो हमने क्लिक कर दिया इस पर म्यूचुअल फंड पर यहाँ पर एस आई पी विथ फाइव हंड्रेड हमने ये वाला ऑप्शन ले लिया तो यहाँ पर देखो एक लाइन से लिस्ट है अब देखो यहाँ पर तो हालांकि ज्यादा ज्यादा भी है अड़तालीस परसेंट कोई म्यूचुअल फंड दे रहा है सैंतालीस परसेंट कोई चालीस परसेंट मैं तो पंद्रह परसेंट की बात कर रहा था यह तीन साल का रिटर्न है ये देखो तीन साल का तो फ्लक्चुएट भी होता है ना लंबे समय में ये घटेगा लंबे समय में वही पंद्रह सोलह परसेंट के आसपास आएगा कई बार तो जैसा मैंने बताया कि रिस्क है, है कोई कोई डिलिस्ट हो गया खराब परफॉर्मिंग कंपनी है तो पंद्रह से भी घट के कहीं दस पे आ गया कहीं छह पे आ गया तो वो रिस्क भी है अंदर तो घुस के आपको दिखा देता हूं मान लो ये वाला मैंने खोला ये देखो आठ करोड़ इसके कंपनी uh, में लगे हुए हैं लोगों के इतना मैनेज कर रही है फंड एक्सपेंस रेशियो 0.59 परसेंट इसमें लग रहा है आपको ये भी बता रहा है एग्जिट लोड का यहाँ मतलब इसने बता रखा है लगभग एक परसेंट के आसपास जो लगता है और देखो मैंने आपको बताया कि एक साल के अंदर विड्रॉ करोगे तो आपको एग्जिट तो लगेगा ही लगेगा सात साथ में पंद्रह आपका टैक्स भी लगने वाला है गेन पर टोटल फंड पर नहीं गेन पर हजार में से सौ रुपए आपने प्रॉफिट लिया तो सौ पर पंद्रह परसेंट अच्छा ये भी लिख रखा है कि अगर एक साल के बाद निकालोगे तो दस परसेंट लगेगा ठीक है और ये भी बता रखा है मैंने आपको देखो ऐप बड़ा शरीफ है लिख भी रखा है हाई रिस्क ढंग तो से सुन चुनना मैंने बताया ना क्या चुनना पड़ेगा इजी सिलेक्शन है इजी सिलेक्शन नहीं है अगर आप नए हो माता पच्ची करनी पड़ेगी ठीक है कौन कौन सी कंपनियां ये सब कंपनियां दिखा रहा है इसमें तो इस तरीके से हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं अच्छा इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं इन्वेस्ट पे जाओ आप आप यहां पर पांच सौ रुपए की एस आई पी करना चाह रहे हो आप अच्छा यहां पे देखो डेट भी है कौन सी डेट को आप चाहते हो कि आपका हर महीना पैसा कटे चार तारीख को हर महीने कटे पांच तारीख को आप यहां से डेट चूज कर सकते हो ठीक है और ये ऐसे करें कैलेंडर आ गया आप बोलो पांच तारीख को कटेगा तो पांच तारीख को कटेगा आपका ठीक है हर महीने इस तरीके से एस यानी कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो इंडेक्स फंड दिखा देता हूं यहां पर देखो इंडेक्स फंड का भी ऑप्शन हमारे को डायरेक्ट मिल जाता है मैं इंडेक्स फंड में जाता हूं कोई भी म्यूचुअल कोई भी इंडेक्स फंड में ले लेता हूं मान लो यू वाला ये वाला मैंने ले लिया देखो एक चीज देखो ये तीन साल में तीस दिखा रहा है लेकिन अगर मैं ऑल कर ऑल मतलब 2014 से यह यहाँ ये 2014 से लेके 2023 के आसपास दिखा रहा है fund, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी पहले किया। और नीचे आ जाओ देखो इस इंडेक्स फंड में 9000 करोड़ लोगों के लगे हुए हैं एक्सपेंस रेशियो 0.2 पॉइंट टू परसेंट जैसा मैंने आपको दिखाया कम है बहुत कम है म्यूचुअल फंड से एग्जिट लोड लगता ही नहीं है नील है ठीक है ये सब कंपनियां इसमें लगी हुई हैं कि इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो उसी तरीके से जैसे एस आई पी में बताया क्योंकि ये भी एस आई पी है आप ई टी एफ में भी एस आई पी कर सकते हो एक बार भी पैसे डाल सकते हो ई टी एफ में तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है आप ट्रेड कर लो आप एक बार डाल के छोड़ दो आप एस आई पी कर लो उसमें सब कर सकते हो अच्छा अब हम देख लेते हैं निफ्टी बीज में हमारे को कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी बीज के लिए आप सबसे पहले होम पर आ जाओ ठीक है होम पर आए हुए हैं एंजल वन के और यहाँ पर हम सर्च करेंगे निफ्टी बीज ठीक है निफ्टी बीज हमने लिया सेलेक्ट कर लिया इसको अब यहाँ पर देखो एकदम प्रॉपर शेयर की तरह आपको दिख रहा है सेल नहीं करना सेल करोगे तो दूसरी कहानी हो जाएगी आप सेलर बन जाओगे उसकी उसका खेल अलग है तो गलती से भी आप सेल बटन पर क्लिक मत कर देना हमारे को हमेशा बाय करना है ठीक है उसकी कहानी अलग है कभी स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट पर पूरा सेशन चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि स्टॉक मार्केट पर डिटेल सेशन दो बिगिनर्स को कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट से कैसे कमाई होती है यह बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो तो मैं आपको उसका भी सेशन दे सकता हूँ ठीक है फिलहाल के लिए इतना समझ लो हमें बाय करना है हम बाय बटन पर क्लिक करते हैं यहां पर मान लो देखो एक रुपए का भी रेट चल रहा है एक रुपए का ठीक है हमने यहां पर क्वांटिटी डालना है मान लो हमने दस खरीदना है तो दस में हमारे को कितना चार्जेस लगने वाला है यह सब देख लो यहां चार्जेस पर क्लिक करके उन्नीस के आसपास का लगभग हमारे को यह लगेगा ब्रोकरेज ये लगेगा एक्सटर्नल चार्जेस ये लगेगा अच्छा ये ये लगेगा अच्छा ये ब्रोकरेज अलग है वो जो इक्विटी ब्रोकरेज मैंने बताया था शेयर बाय करने पे वो नहीं लग रहा है ये ब्रोकरेज अलग है ठीक है तो ये अपना ऐप वैप जो बना रहे हैं इसका तो थोड़ा बहुत लेंगे ही ठीक है तो टोटल एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पाँच रुपये इक्यासी पैसे के आसपास लग रहा है और आप चाहो तो ये क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो आप बोलते हो नहीं भैया दस से काम नहीं चलेगा मुझे सौ करना है तो चार्जेस आप देखो सौ के हिसाब से कितना लगेगा सौ के हिसाब से आपको उन्नीस हज़ार लगना है और ये बाकी छोटे मोटे चार्जेस आप लोग लगने हैं चौबीस रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है ठीक है इसी तरीके से आप जितना मर्जी चाहो आप अभी सौ क्वांटिटी खरीद लो दो घंटे बाद दो सौ खरीद लो उसके अगले घंटे बाद बेच दो उसके अगले घंटे फिर खरीद लो जब मर्जी जो मर्जी आपकी खरीदना है म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता खरीदना बेचना दोनों दिन के खत्म होने के प्राइस पर डिपेंड करता है इसमें ऐसा नहीं है इसमें मिनट बाय मिनट खेल खरीद लो मिनट बाय मिनट आप बेच लो आपकी मर्जी पूरी फ्रीडम लिमिट क्या होता है आप क्या समझो देखो यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन है और दूसरा मार्केट का भी ऑप्शन है एक लिमिट का ऑप्शन है एक मार्केट का ऑप्शन है पहले मार्केट समझाता हूं मार्केट क्या होता है अगर मैंने मार्केट सेलेक्ट कर लिया अब देखो ये प्राइस डिसेबल हो गया इसको मैं एडिट नहीं कर सकता मार्केट कहने का मतलब अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है एक सौ बानवे का चल रहा है तो एक सौ बानवे पर ही खरीदूंगा मैं एक सौ तिरानवे का चल रहा है एक सौ तिरानवे का मिलेगा दो सौ का चल रहा है दो सौ पर ही मिलेगा लेकिन अगर मैंने लिमिट सेलेक्ट कर लिया तो लिमिट सेलेक्ट करने का मतलब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ मैं इसको कह सकता हूँ कि भैया डेढ़ सौ पर जब आए और मैं यहां पर बाय बटन पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा ऑर्डर लग गया अब जब डेढ़ सौ पर आ जाएगा पूरे दिन में एक ही दिन में क्योंकि एक दिन बाद क्लोज शाम को तो क्लोजिंग हो जाएगी एक दिन में अगर ये प्राइस डेढ़ सौ पर आ गया जिस भी मोमेंट ये अपने आप मेरा खरीदा जाएगा डेढ़ सौ पर नहीं आया तो कोई बात नहीं वो आपका कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा हालांकि ऐसा तो बड़ा मुश्किल है कि एक से डेढ़ पर आ जाए वो बहुत ज्यादा ही कुछ मार्केट में उथल पुथल हुआ है तो आप डाल है, तो तो पर, तो ये डाल सकते हो एक पर हुआ है एक सौ नब्बे पर आए तो मुझे पर एक सौ छियासी सतासी पर आ जाए मुझे मिल जाए ये डाल सकते हो ठीक है तो ये लिमिट का फायदा होता है आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लिमिट लगा सकते हो कि इतने पर जब गिरे ना शेयर इतने पर जब इसका प्राइस घटे ना तो मुझे मिल जाए इतने पर नहीं गिरे तो मुझे नहीं चाहिए फिर ठीक है ये होता है लिमिट का फायदा कुछ और बचा क्या कुछ और बचा क्या कुछ और बचा क्या hmm, मुझे लगता है अब कुछ नहीं बचा तो मैं स्क्रीन को कर देता हूँ ऑफ सारी चीज़ें मुझे लगता है मैंने समझा दी है इन कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ भैया बोल देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कंफ्यूज ना होना आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है एक आध साल के लिए दो साल के लिए तीन साल के लिए एफडी ठीक है आर में रिकरिंग आप करना चाहते हो तो वो भी शॉर्ट टर्म के लिए वो भी ठीक है कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम एल आई सी किसी में जाना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए वो ठीक है लेकिन उसको आप इन्वेस्टमेंट मत मानना आपको रिटर्न में बड़ा पैसा नहीं मिलने वाला सिर्फ सेविंग है वो पैसा आपका बच रहा है और लंबे समय के लिए आपने गलती से कर दिया तो आपका बचेगा भी नहीं ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन वो खा जाएगा तो लंबे समय के लिए चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी ठीक है मेरी राय में आपकी राय अलग हो सकती है आपको सिखाने वाले अलग हो सकते हैं तो वो अलग बात है मेरी राय में लंबे समय के लिए अगर आपको पैसा अपना कंपाउंड करना है कंपाउंडिंग का फायदा लेना है तो उसके लिए एस ही है एस आई पी कहां कहां कर सकते हैं SIP हम एस आई पी हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं एच आई पी हम इंडेक्स फंड में कर सकते हैं एस आई पी हम ईटीएफ में कर सकते हैं अच्छा ईटीएफ में जैसे आप एस आई पी वाला ऑप्शन जो मैंने आपको दिखा है ना वहां पर आप निफ्टी बीज में सर्च करोगे ना निपॉन का आपको वहां पर ऑप्शन आ जाएगा आप एस आई पी भी उसी तरीके से कर सकते हो हर महीने कटता रहे तो म्यूचुअल फंड से बेटर जैसा मैंने बताया इंडेक्स फंड है इंडेक्स फंड से बेटर निफ्टी बीज है अच्छा ये सब ना जो बेटर मैं कह रहा हूं मैं रिस्क कम है उसके बेस पे कह रहा हूं इधर उधर के कमीशन इधर उधर के फालतू लफड़े के फाइन ना के बराबर लगते हैं निफ्टी बीज में उसके बेस पे कह रहा हूं और आपके कंपनी डीलिस्ट होने के रिस्क और जो जो पैरामीटर मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया उन सब के बेसिस पे कह रहा हूं मेरे हिसाब से इन सब चीजों में बेटर है और ज्यादातर मैं देखता हूं जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं ना वो अपना ज्यादा पैसा बीज में ही रखते हैं ईटीएफ में ही रखते हैं कंपेरेटिवली म्यूचुअल फंड में भी रखते होंगे लेकिन कम रखते हैं इंडेक्स फंड में कम रखते हैं लेकिन इधर ज़्यादा रखते हैं फ्लेक्सीबिलिटी है और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई ठीक है एस आई पी इज मोस्ट पावरफुल टूल एस आई पी अगर नहीं करा है तो जरूर करो लंबे समय में आपको एस हमेशा फ़ायदा देती है लेकिन हाँ एस आई करना है ये जरूर देख लेना और वंस अगेन अपनी नॉलेज पे काम करो भैया ये सब चीज़ें अगर नहीं पता है तो आपको पता होनी चाहिए इसके अलावा भी पैसे से रिलेटेड बहुत कुछ है अपनी समझ को बड़ा करो अपनी सूझबूझ को बड़ा करो उसके लिए किताब अगर नहीं पढ़ सकते हो तो ऑडियो बुक कुकू एफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है डेली बड़े आराम से इधर उधर घूमते हुए सोते उठते हुए एक ऑडियो बुक खत्म कर दो नॉलेज के नॉलेज और उसके लिए आपको इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़ा तो ऑडियो बुक जरूर सुनिए गुगो एफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है